हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज मैं अपना जॉब पे जा रहा हूँ। मेरी फर्स्ट जॉब इन माल्टा में है, जहाँ मैं काम करता हूँ। वहाँ का आपको वे और व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होने की वजह से मैं पिछले कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। सो आज मैंने सोचा कि उन्हें अपना जॉब की, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उसकी वीडियो बनाई जाए और रास्ते का व्यू दिखाया जाए आप सबको, कैसा व्यू है वहाँ पे। अब मेरी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 2 बजे से स्टार्ट है और मेरे को यहाँ से जाने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं जॉब पर पहुँचने में। सो चलते हैं अपना वॉक बाई वॉक, क्योंकि जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे बस की ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। 1-1.5 घंटा में बस का वेट करना पड़ता है और हम जब पैदल जाते हैं तो 15-20 मिनट में आसानी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सो हम प्रेफर करते हैं वो, जिससे हमारी अपना एक्सरसाइज भी हो जाती है। इस लोकेशन में लगभग सभी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं और ग्रोसरी शॉप्स और कन्वीनियंस शॉप्स हैं। सो हमें ईजी टू एवरीथिंग हम बाय कर सकते हैं विदाउट लॉसिंग टाइम। इस साइड अपना माल्टा पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से अपना बटन प्रेस करना पड़ता है रोड क्रॉस करने के लिए। और यह ग्रीन साइन आ चुका है, रोड क्रॉस कर रहे हैं। अपना यहाँ पे अपना गाड़ी वगैरह रुक जाती है रोड जब रोड क्रॉस करते हैं। सारी गाड़ी यहाँ पे अपना बाहर रोड के दोनों साइड लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, पॉपुलेशन से ज़्यादा यहाँ पे गाड़ी है। आप देख ही सकते हो, लोग ज़्यादा प्रेफर अपना पर्सनल व्हीकल करते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और जहाँ पर मैं काम से जाता हूँ, यहाँ पर इस रास्ते में छोटा सा खेत वगैरह का व्यू देख सकते हैं आप। अभी इन्होंने खेत को तैयार किया हुआ, कुछ यहाँ पर फसलें वगैरह लगाएंगे। बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू है यहाँ का। आज अपना मौसम बिल्कुल क्लियर है, धूप भी निकली हुई है। लास्ट 3-4 दिन हो गए थे फुल बारिश हो रही थी, सुबह शाम बारिश हो रही थी और सर्दी भी ज़्यादा थी। आज थोड़ा हल्की हवा चल रही है बट मौसम बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही, अच्छा मौसम हो रहा है। दोस्तों मेरे को उस तरफ जाना है अंडर पास से, यहाँ से निकलता हूँ मैं। गाइस, जब मैं माल्टा में आया था फर्स्ट टाइम, सो 2 से 3 दिन के बाद मैंने जॉब फाइंड कर ली थी। जो मेरे को जॉब मिली थी वो डोनेट एम्पायर है अपना बिल्कारा में, कैफ़े में। सबसे पहले मैंने वहाँ पे अपना 5 से 7 दिन ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग में वो मेरे को अपना हाफ पे करते थे। क्या कुछ मेरा काम रहता है और आज का जो देखते हैं स्केड्यूल कैसा है, बिजी रहता है या फिर हम जस्ट टाइम पास करेंगे और अपना फ़ोन वगैरह चलाएंगे। फ़ोन वगैरह वहाँ पे अलाउड है और खाने पीने की हमारे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मर्जी बनाओ और खाओ। ऑल इन ऑल फन ड्यूटी है वहाँ पर, बट जिस टाइम बिजी होते हैं तो उस टाइम खाने का भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि ऑर्डर पे ऑर्डर आते हैं। तब सो जो मेरा पे रेट है वो अपना 6 यूरो पर आवर है और लगभग अब मेरा जो काम है अपना 25 से 30 घंटे मिल जाता है, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। बिरकिकार में चर्च है, काफ़ी बड़ा चर्च है और इसके आसपास का व्यू देखो, ये अपना शॉप्स वगैरह हैं। अभी बंद है यहाँ पे शॉप्स, क्योंकि लंच टाइम हो गया। यहाँ पे सारी शॉप्स, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं और यहाँ साइड में अपना पार्किंग की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे कारों की। कैमी शॉप अभी बंद है यहाँ पे।
क्रिसमस आने वाला है, इसलिए इन्होंने अपना लाइटें वगैरह लगा रखी है। सो गाइस, अगर आप माल्टा में, अगर आप जहाँ भी जा रहे हो तो आपको सारी जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी रोड के साइड में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ हैं। सो गाइस, फाइनली मैं अपना कैफ़े के पास आ गया हूँ। अपना यहाँ डोनट एम्पायर है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। सो चलते हैं अंदर। ये अपना डेकोरेट किया हुआ अच्छे से, ये बार का व्यू है जिसको हम बार बोलते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर्स बोल्ट एंड वोल्ट में भी नहीं आ रहे। अगर ऑर्डर आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हमारे पास यहाँ पे बोल्ट और वोल्ट में ऑर्डर आता है, और उसके बाद हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद, ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद हम रेडी फॉर करते हैं। सो यहाँ मेरा मोस्टली किचन में ही काम ही रहता है सारा, डोनट्स वगैरह तैयार करते हैं और डेकोरेट करते हैं। काम ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, इजी है। मेरी शिफ्ट जो है आज 9-2 से 11 की है, और आधा घंटा में इसमें किचन को क्लोज करने। सो दोस्तों, अपना पहले कुछ देर पहले अपना 3-4 घंटे से हो गए थे ऑर्डर नहीं आ रहे थे, अब ऑर्डर आए हैं 3 लगातार। तो देखो यहाँ पे इतने डोनट्स, 5 डोनट इसके बनाने हैं, 3-4 इसके और 8-10 के आए।
14-15 ऑर्डर दोनों के इकट्ठे आ गए एक साथ ही, नहीं तो 3-4 घंटे से हम वेट कर रहे थे ऑर्डर किस टाइम आएंगे, आ रहे थे एक आधा ऑर्डर आ रहा था तो सीधे 15-20 डोनट तैयार करने हैं। चलो डेकोरेट करते हैं डोनट और उसके बाद देखते हैं कैसे हम रेडी फॉर पिकअप करते हैं। सो वीडियो पर बने रहे। चिकन सब रेडी हो चुका है, चिकन सब। सो गाइस अपना ये ऑर्डर है जो रेडी हो चुका है, ऑर्डर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर हमें ये तैयार करना है बड़े वाला। वोल्ट में ज़्यादा काम आता है और ये बोल्ट है, बोल्ट में बहुत कम काम आता है एज़ कम्पेयर टू बोल्ट। नमक कम लग रहा है। सो गाइस सब बज गए हैं रात के 10:30, अभी क्लोजिंग में आधा घंटा है, क्लोज करेंगे थोड़ी देर बाद। बज के आएँ 11:20 और हमने शिफ्ट है जो हमारी ओवर हो गई है और अब अपना घर की तरफ जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हमने अपना सेटल डाउन कर दिया क्लोज के लिए।